प्रोसेस ऑफ बेंडिंग अप ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम, उसको हम लोग क्या कह देंगे, रिफ्लेक्शन. ठीक है, फिनोमेना ऑफ बेंडिंग अप ऑफ लाइट रे परफेक्ट है. अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिक टाइप्स हम लोग ध्यान दें, तो एक होगा रेगुलर, दूसरा होगा इरेगुलर. क्लियर है, आराम से एकदम चल मार के हम पढ़ते रहेंगे. तो टाइप्स क्या आ जाएंगे हम लोग के पास, पहला आएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, अच्छी तरह हम लोग जान रहे हैं क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. जब पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस करें, वो भी पैरेलल है, यानी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, ठीक है, तो उस केस में अगर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाता है फॉर पैरेलल इंसिडेंट रे, अगर रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन. फॉर पैरेलल इंसिडेंट रे, जैसे अगर ऐसे ऐसे इंसिडेंट रे आ रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे भी हमारे कुछ इस टाइप के जा रहे हैं और दोनों पैरेलल है, ठीक है, दो पैरेलल इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, तो इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो फॉर पैरेलल इंसिडेंट रे इंसिडेंट रेस रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल्सो पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल. ठीक है, इसके लिए रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एग्जांपल, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके लिए क्या होगा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेन सरफेसेस एग्जांपल, हम लोग पास क्या रहेगा, प्लेन मिरर. ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग कौन सा मिरर फॉलो करेंगे, प्लेन मिरर. नेक्स्ट हम लोग पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन. वही, जब अगर पैरेलल इंसिडेंट रे आए और रिफ्लेक्टेड रे नॉन पैरेलल हो, ऐसे ऐसे जाए, तो क्या कहेंगे इसको, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. फॉर पैरेलल इंसिडेंट रेस रिफ्लेक्टेड एज नॉन पैरेलल, इसमें हम लोगों को किसके लिए पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, अगर प्लेन सरफेस नहीं है तो कोई भी सरफेस होगा अदर देन प्लेन सरफेस, वो क्या प्रोवाइड करेगा हम लोग को, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. प्लेन सरफेस है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और प्लेन सरफेस नहीं है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो हम लोग सबसे पहले वही रेगुलर रिफ्लेक्शन को ध्यान देते हैं, यानी हम लोग किसके बारे में पढ़े, प्लेन मिरर. मिरर को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, हम लोग बस डायग्रामेटिक व्यू देख रहे हैं और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो प्लेन मिरर को हम लोग क्या मान के चलेंगे, ठीक है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, विच हैचेज ऑन वन साइड. इसको हम लोग इधर वाला सरफेस को क्या मानेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला क्या सरफेस रहेगा हमारा, सिल्वर्ड या कॉपर्ड. ठीक है, सिल्वर्ड सरफेस रहेगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग ना. ठीक है, ये प्लेन एंड स्मूथ रहेगा हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्लियर है, तो मिरर को इस टाइप से हम लोग इंडिकेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन विथ हैचेज ऑन वन साइड, अंदर साइड कुछ नहीं रहेगा. ठीक, अदर साइड को हम लोग क्या करेंगे, जिधर हैचेज नहीं है उधर क्या कहेंगे, एकदम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन एंड स्मूथ, और दूसरा जो हैचेज साइड है वो क्या है, सिल्वर्ड सरफेस है, ताकि हमको रिफ्लेक्शन मिल सके.
ठीक है, अदरवाइज अगर वो सिल्वर्ट ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, रिफ्लेक्शन को कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग एक साइड क्या करते रहे, सिल्वर्ट। अब आ जाओ कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें प्लेन मिरर के, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं, प्रूफ करते हुए चलेंगे उसको, ठीक है। सबसे पहली बात, प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, तो पहला पहला क्या रहेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या रहता है, सेम, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से जितने डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे क्या रहेगा इमेज भी, किसी भी पॉइंट से, ठीक है, मिरर के किसी भी पॉइंट से जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो उसी पॉइंट से अगर हम इमेज का डिस्टेंस देखेंगे तो क्या आएगा, सेम, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस एक्स, कोई रे ऐसे जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक, ऐसे गया अदर रिफ्लेक्ट हुआ, इन दोनों को मीट करेंगे कहीं पीछे ले जाके तो अपीयर होंगे कि यहाँ से मीट हो रहा है, ये कौन सा इमेज हो जाएगा, वर्चुअल, यहाँ से एक्चुअली डाइवर्ट हुआ तो क्या हो गया था, हम लोग को ये पता है एक्स है नॉर्मल डिस्टेंस, यहाँ से नॉर्मल डिस्टेंस क्या है। वैसे ध्यान देना, मिरर पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा उसी पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस को प्रूफ कर रहे हैं एक्स, ठीक है। तो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे मान लो कि ये एन वन है, ये पॉइंट क्या है एन टू, हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले लें, ओ एन वन एन टू, और ये ले लें ट्रायंगल कौन सा ले लें, ओ एन वन एन टू, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, एन वन आई एन टू, इसमें लोग दिख रहा है एन वन एन टू कॉमन है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी आई, यहाँ से मान लो ये आई वन है, ये आर वन, ये भी आई वन के बराबर होगा, ये कुछ हम आई टू ले लें तो ये आर टू हो जाएगा, ये आई वन है और ये क्या है I2, कुछ ऐसा, ये टोटल एंगल हम लोग को पता है। यहाँ से देखोगे ध्यान दो, ये हम लोग इसका ऐसे ले लिए, तो ये एंगल अगर देखें हम लोग, ये I1 है तो ये वाला कितना एंगल हो जाएगा 90 माइनस I1, इधर वाला भी एंगल क्या होगा 90 माइनस I1, ये वाला एंगल क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है ये वाला 90 माइनस I1, तो ये भी क्या है 90 माइनस I1, ठीक है। यहाँ से ये वाला लोगे तो ये क्या आएगा 90 माइनस आई टू, ये आर टू भी आई टू है तो इधर वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस आई टू, इसी का वर्टिकली अपोजिट इधर है, ये भी 90 माइनस आई टू, ठीक है। ये दोनों एंगल सेम, ये एंगल भी सेम होगा, तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के सेम है, एक साइड कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ए एस एस ए, ये ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाना है, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। तो हम लोग पक्के तौर पे कह सकते हैं कि जो दोनों का परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से मान लो ये ओ पी और पी आई दोनों क्या होगा सिग्निफाइड एट ओ पी इक्वल्स टू, तो यानी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस क्या लेगा सेम। इसी तरह से आप कोई भी पॉइंट पकड़ के मिरर पे देख लो, उस पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और उसी पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस क्या आएगा सेम आएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हम लोग का, ठीक है, ठीक, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग को पहले ध्यान देना चाहिए था थोड़ा सा। सबसे पहला कि प्लेन मिरर क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, हमेशा अपोजिट, रियल इमेज का वर्चुअल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, ठीक है, और दोनों अपोजिट रहेंगे, तुम्हारा सेम साइड नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड नहीं बनेंगे ना, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या